आ गए कल्याणी के पास आयो उनके साथ मिलने के लिए। और बहुत दिन के बाद दादा से मुलाकात हुई। दादा से जो मेरी मुलाकात है ये एक मैजिकल टाइप से हुआ था। मतलब मैं लौट रहा था सिक्किम से, दादा लौट रहे थे असम से ना, असम से लौट रहा था। और एक ही चीज के कारण हम दोनों की बात हुई थी। मैं भी रॉयल एनफील्ड चलाता हूँ, दादा भी रॉयल एनफील्ड, मैं भी रॉयल एनफील्ड चलाता हूँ, दादा भी रॉयल एनफील्ड चलाते हैं। तो तभी से मुलाकात के बाद एक रिश्ता बनता गया और आज फिर से मुलाकात हुई है। मेरे बुलाने पे दादा एक जगह पे आए हैं, तो चलिए कहाँ पे लेके जाते हैं वो तो एक सस्पेंस है। अभी वो देखने के लिए वीडियो को पूरा आखिर तक देखिए, मिस करेंगे तो बहुत ज्यादा मिस कर जाएंगे। और एक चीज ऑयन बोलना भूल गया, मेरे ब्लॉगिंग का गुरु ऑयन ही है। जो भी प्रॉब्लम होता है मैं ऑयन से ही पूछता हूँ और ये मेरे को हमेशा हेल्प करता है। जब भी फोन करता हूँ, आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं है कि फोन नहीं उठाया। एनीवेज आगे चलते हैं, लेकिन सामने यहाँ पर हुगली रिवर देख लीजिए, वो ब्रिज दूर दिखाई दे रहा है, वो कल्याणी की तरफ जाता है। अब आस्ते आस्ते हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। अब सबको पता चल चुका है ये दरगाह ऑफ जाफर खान गाजी का है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसको टेक ओवर कर लिया है और हिस्ट्री आपको तो यहीं पर मिल रहा है कि दिस मॉन्यूमेंट हैज बीन डिक्लेयर्ड टू बी अ नेशनल इम्पोर्टेंस अंडर द एंशियंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958 Whoever destroys, removes, ये छोड़िए इसमें हिस्ट्री नहीं है, आगे बढ़ते हैं। ऑयन पूरा बताता रहेगा, मुझे इसके बारे में खास कुछ मालूम नहीं है, उसी का गेस्ट होकर आज हम आए हैं तो वही बताएगा सब। एंट्री हो रहा है हम लोगों का। सबसे पहले तो ये वाली चीज आप थोड़ा दिखा दो व्यूअर्स को। This monument has been declared to be again the same thing. Notice board. ये वाला ज़्यादा important है। The Dargah of Zafar Khan Ghazi. Latitude, longitude दिया हुआ है। This monument comprises of two mosques. The Dargah is a roofless, double-chambered structure built of bricks and stones erected in 1298 by Zafar Khan Ghazi, a military general of the Sultans of Delhi, as inscribed in an Arabic inscription. ये ताजमहल के बनने से भी 400 साल पुराना है, तब तो देखिए ये वाला जाफर खान गाजी का जो मस्जिद है जहाँ पे हम लोग आज आए हैं, ये वाली जो जगह है ये घर के बिल्कुल पास है। कोलकाता से आप अगर आओगे मैक्सिमम टू मैक्सिमम 45 से 50 किलोमीटर के डिस्टेंस में है, लेकिन ये जगह के बारे में मैक्सिमम लोग जानते ही नहीं है कि ये ताजमहल से भी 400 से 450 साल पुराना है। और इसकी जो हिस्ट्री है वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा मेन दरगाह की तरफ चलते हैं पहले। ये आगे आपको दिख रहा है मेन दरगाह। मेन दरगाह का अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो ऊपर के जो टॉम्ब्स है ये मेनली सुल्तानी एरा में ऐसे स्ट्रक्चर्स बनने शुरू हुए थे। उससे पहले तो मतलब मुस्लिम इनोवेशन उतना नहीं हुआ था, तो ये वाले टॉम्ब्स वही मुस्लिम एरा से आते हैं। और ये वाला जो दरगाह है इसको बनाया गया था 1298 सदी में।
इसके पीछे की जो हिस्ट्री है वो बहुत ही एक ब्रीफ हिस्ट्री है। यहाँ के जो पहले राजा थे, ये वाला जो एरिया है इसको महानाथ बोला जाता था। अभी भी महानाथ के नाम से एक छोटा सा गांव है यहाँ पे, लेकिन ये पूरे एरिया को पहले महानाथ बोला जाता था। और उसके जो फाउंडर थे, उसके जो राजा थे, उनका नाम था मानरिपति। तो हुआ क्या था कि मानरिपति वो एक ब्राह्मण राजा थे, और उनके एरा में गाय या बछड़े की बलि देना या उनका मांस खाना ये बहुत बड़ा अपराध था हिंदू शास्त्र के अनुसार। तो हुआ क्या, उस टाइम पे दिल्ली में जो सुल्तान थे उनके भतीजे थे शाह सूफी। तो शाह सूफी यहाँ पे उनको भेजा गया था एज अ सूबेदार, यहाँ के सूबेदार बन के वो आए। उसके बाद आने के बाद हुई एक ऑकेशन में एक बछड़े की बलि दे के उन्होंने उसका जो मांस है वो पूरे गांव में बांट दिया। तो अभी हिंदू राजा के एरा में ये हुआ था। अभी हिंदू राजा जो थे मानरिपति, उन्होंने क्या किया, शाह सूफी के जो 9 साल के बच्चे थे उनको उठाया, उसकी बलि दी और उसका मांस शाह सूफी को भेंट कर दिया। अभी दिल्ली सुल्तान के भतीजे थे, उनके साथ ऐसा करोगे तो जो होना है वही हुआ। दिल्ली से एक बहुत बड़ी फौज निकली मानरिपति को, या जो वो पांडु वंश के राजा थे, तो पांडु वंश को पूरा मतलब खत्म करने के लिए, उनको एक लेसन टीच करने के लिए दिल्ली से एक बहुत बड़ी सेना निकली। जो कहा जाता है कि 17 दिनों तक ये लड़ाई चली थी, और 17 दिनों के लड़ाई में पूरे पांडु वंश के कोई भी किसी भी आदमी को छोड़ा नहीं गया था, सबको मारा गया था। और वो पूरा जो लड़ाई हुआ था उसके पीछे जो जनरल थे उनका नाम था जाफर खान गाजी, जिनका ये दरगाह है। तो वो लड़ाई हुई 1238 में, जो कि आपको अगर आप जीटी रोड से पांडुआ में जाते हो तो पांडुआ में एक बहुत बड़ी जगह है पांडुआ बड़ी मस्जिद, हुगली पांडुआ में, वहां पे जहां पे ये लड़ाई हुई थी वहां पे एक मीनार है, मस्जिद है, और उसके बारे में भी ब्रीफ डिटेल्स आपको मिल जाएगा वीडियो। मैं अपना थोड़ा अपना चैनल का भी प्रमोशन कर लेता हूँ, मेरा चैनल का नाम है टू व्हील ट्रैवलर, तो उस पर अगर आप सर्च करोगे उसके बारे में भी ब्रीफ हिस्ट्री आपको मिल जाएगा। तो हुआ क्या कि ये पूरा लड़ाई के बाद जाफर खान गाजी लड़ाई जीते, तो जीतने के बाद भी उनमें एक चेंज आया, वो फिर दिल्ली वापस नहीं गए, वो यहीं पे बंगाल में ही बस गए। और कहा जाता है कि जितना उनका उम्र बढ़ा उसी के साथ साथ उनको बंगाल की आबहवा, यहाँ के लोग, यहाँ की मिट्टी, खास करके गंगा नदी इतनी ज्यादा पसंद आई थी कि वो यहीं पे त्रिवेणी में बस गए। और उनके मरने के बाद यहीं पे उनको दफनाया गया था, हम लोग आपको कब्र भी दिखाएंगे आगे, उनका जो कब्र है, प्लस ये वाला जो दरगाह है ये दरगाह उन्होंने ही बनाया था उस टाइम पे। तो आगे चलते हैं। चीज आप देखो, ये जो मस्जिद है इसका जो स्ट्रक्चर है अगर आप इसको देखोगे तो ये मेनली यहाँ पे पत्थर से बनाया हुआ है, और ऐसे वाले ये बैसल्ट पत्थर है। तो ये बैसल्ट पत्थर ये मेनली इग्नियस रॉक होता है, और इग्नियस रॉक आपको बंगाल में कहीं पे भी नहीं मिलेगा। तो इसको बहुत दूर से कहीं से काट के ऐसे तराश के फिर लाया जाता था, उसके बाद इसको यहाँ पे पूरा एक स्ट्रक्चर बनाया गया। और मेनली ये जो खिलान है या ऐसे जो शेप्स होते हैं आर्चेस, हाँ ये जो आर्चेस होते हैं ये आपको सुल्तानी एरा से ही स्टार्टिंग में मिलेंगे। अगर आप दिल्ली जाओगे, दिल्ली के भी जो कुतुब मीनार वाला एरिया है जो सुल्तानी एरा में बनी थी, वहां पे भी आपको ऐसे ही स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। प्लस आप अगर उस साइड पे देखोगे तो पत्थरों के ऊपर पुराने ईंटों का भी कुछ स्ट्रक्चर है, जो कि बंगाल का जो स्ट्रक्चर है, बंगाल का जो पुराना मतलब अगर आप बंगाल के पुराने मस्जिद या पुराने मंदिर देखोगे उसका जो स्ट्रक्चर है उससे मेल खाता है ये पुराने छोटे छोटे ईंटों का जो स्ट्रक्चर है वो वाला पार्ट, खासतौर पर बिष्णुपुर के साइड की तरफ, खासतौर पर वो भी टेराकोटा टाइप। अच्छा, यहाँ पे मस्जिद का जो मेन पार्ट है
आप देखोगे व्हाइट कलर का एक दरगाह है, उसके साइड में काले पत्थरों के ऊपर अरबी में आयतें लिखी हुई है। उस पर खास तौर पे यही मेंशन किया हुआ है कि उलुगी आजम जाफर खान गाजी ने यह मस्जिद को 1298 सदी में बनाया था, तो वही यहाँ पे मेंशन है। आप ये थोड़ा पॉज करके भी देख सकते हो, और अगर किसी को अरबी पढ़नी आती है तो जूम करके वो भी ये देख सकते हैं। अब आते हैं इसके बारे में जो कंट्रोवर्शियल थिंग है उसके ऊपर। आप अगर देखोगे तो ये मस्जिद में आपको काले पत्थरों पे बहुत सारे डिजाइन्स मिलेंगे जो कि मुस्लिम जो आर्किटेक्चर रीति है उससे आती है, और ठीक उसी के ऊपर मिट्टी का बना हुआ एक चीज है, मिट्टी के कुछ डिजाइन्स है जिसको टेराकोटा बोला जाता है। बंगाल के आर्किटेक्चर में ये बहुत ही फेमस चीज है टेराकोटा। तो उसमें आप अगर देखोगे अच्छी तरह से तो आपको कमल दिखेंगे, फूल के डिजाइन्स दिखेंगे। मेनली जो कमल होता है ये हिंदू आर्किटेक्चर से आता है, तो ये भी आपको यही पे देखने को मिलेगा कि ये जो मस्जिद है ये मस्जिद के बहुत सारे पार्ट्स बहुत सी जगह को लाके फिर बनाया गया है। एक तो यहाँ पे बैसल्ट का ब्लैक रॉक है, उसके ऊपर आपको मिलेगा मिट्टी का टेराकोटा, उसके ऊपर आपको मिलेगा छोटे 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 जो पुराने वाले ईट है वो वाले स्ट्रक्चर, और साइड में अगर आप देखोगे तो आपको सैंडस्टोन का भी कुछ पार्ट मिलेगा। मतलब बहुत सी जगहों से कुछ टुकड़ों को लाके यहाँ पे एक जगह पे जोड़ के फिर ये मस्जिद बनाया गया था। जैसे कि ये वाली जो दीवार है ये अगर आप देखोगे तो ये पूरा किसी मंदिर से लाया हुआ है। मतलब पूरे जो पुराने ईट है ये स्ट्रक्चर्स या फिर जो आप देख सकते हो इसके अंदर जो पिलर्स बने हुए हैं, पिलर्स के ऊपर जो ईटों को काट के एक डिजाइन बना हुआ है, कुछ कमल है कुछ फूल के हैं, तो ये सारे के सारे किसी हिंदू मंदिर के कोई पार्ट है जो कि यहाँ पे लाके रखा हुआ है। यहाँ तक कि ऊपर जो नाला है वो भी पत्थर से ही बना है। ये भी आपको मतलब हर जगह पे जहाँ पे ऐसी मस्जिद है या फिर जो कि इस एरा में बने थे 1200 से लेके 1500 साल के अंदर, या फिर ताजमहल में भी अगर, हाँ ताजमहल में भी है, तो यही वाले स्ट्रक्चर वो लोग फॉलो करते थे कि जो नाला होता था, नाला का जो मुंह होता था उसको भी कहीं पे सिंक की तरह, कहीं पे मतलब हाथी की तरह, हाथी के सूंड की तरह ऐसा एक डिजाइन बनाया जाता था ताकि ये देखने में भी अच्छा लगे और जो पंछी है वो भी घोंसला ना बना पाए अंदर। कुछ चीजें मैं आपको दिखाता हूँ। पहला ये वाले जो स्ट्रक्चर है इसको आप अगर ध्यान से देखोगे यहाँ पे ब्रह्म कमल बना हुआ है, तो ब्रह्म कमल मेनली विष्णु जी और ब्रह्मा जी के मतलब उनके साथ रिलेटेड है ब्रह्म कमल। यहाँ पे भी वही सेम स्ट्रक्चर है ब्रह्म कमल का। तो आप अगर सोचोगे ये वाले पार्ट्स तो ये मुस्लिम रीति के अंदर ऐसा वाला डिजाइन नहीं आता। नीचे भी यहाँ पे कुछ बना हुआ है, पर एक चीज मैं आपको खास दिखाने की कोशिश करूंगा। ये अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे कृष्ण जी वृंदावन में रासलीला मतलब कर रहे हैं गोपियों के साथ, उसी का एक पत्थर के ऊपर बना हुआ है, और ये कोई मिट्टी का या किसी चीज का नहीं है, ये बैसल्ट का ही है। तो इसको रॉक कर्विंग करके बनाया हुआ था पूरा हाथ से। यहाँ पे भी बिल्कुल वैसे ही डिजाइन बने हुए हैं। आइए और भी दो तीन चीजें दिखाता हूँ। These are the evidences. यहाँ पे अगर आप देखोगे
तो अगर कोई पुरी गया है या फिर कोई अगर मतलब कोणार्क गया है तो ये बिल्कुल वैसा ही स्ट्रक्चर है जैसा आपको जगन्नाथ मंदिर या फिर जो पुरी का कोणार्क मंदिर है, कोणार्क में ऐसा ही वाला स्ट्रक्चर आपको मंदिरों में देखने को मिलेगा। उड़ीसा कल्चर, तो इसको बोलते हैं उड़ीसा का, उड़ीसा कल्चर में इसको बोलते हैं रेख देउल। तो वही रेख देउल यहाँ पे भी बना हुआ है, उस साइड पे भी बना हुआ है, अगर आप देखोगे तो उस साइड पे भी बना हुआ है। यहाँ पे किसी नर्तकी का मूर्ति था, वो यहाँ पे भी था, और पूरे चीजों में ऐसे ऊपर में बने हुए हैं। नीचे यहाँ पे अप्सराओं की मूर्ति थी और ये किसी हाथी के सूंड जैसा था। अभी तो मतलब आप सोच ही सकते हो कम से कम 1000 साल पुराना है ये जो स्ट्रक्चर को मैं छू रहा हूँ, ये 1000 सालों का पुराना है। 1000 साल पहले किसी ने अपने हाथों से बनाया था इसको। तो वही वाले स्ट्रक्चर अभी समय के साथ साथ ये थोड़ा डेमोलिश हो गया है, प्लस कुछ इंसानी करतूतों के वजह से भी ये थोड़ा खराब हो गया है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो मेरा ये मानना है कि इसको ऐसे पूरा किसी जगह से उठा के यहाँ पर बिठाया नहीं जा सकता, कि टूट जाता। तो मुझे तो यही लगता है कि ये पूरा कोई अलग सा स्ट्रक्चर था, कोई मंदिर था, जिसको डेमोलिश करके उसके ऊपर ही ये बनाया हुआ है। और इसका एविडेंस मैं आपको जो यहाँ पे घुसने के बाद जो बोर्ड था वहाँ पे भी दिखाऊंगा कि आर्कियोलॉजिकल साइट मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो रिसर्चर्स हैं वो भी यही चीज मानते हैं। चलिए अंदर थोड़ा दिखाते हैं। देख रहे हो यही वाला कबर, यहाँ के जो उलुगे आजम जाफर खान गाजी थे उनका कबर बिल्कुल बीच वाला है। इस पे पिंक कलर का चादर और वहाँ पे गोल्डन और ब्लैक में जो चादर है जिसमें फूल चढ़ाया हुआ है वो उनका कबर है। साइड में उनके बेटे का आइन खान गाजी और आइन खान गाजी का कबर है और उनके एक लड़की थी उनकी उसका कबर है। ये देखिए कितना पुराना बरगद का पेड़ भी इधर है। हाँ, ओरिजिनल कौन जगह टा क्यों भूलता है। संस्कृत ना बेसमेंट पूरा रह गया, ऊपर मंदिर से मस्जिद शायद ये हमको ये हम अपना लगा रहे हैं, हम कोई एक्सपर्ट नहीं। ये तो उर्दू नहीं है, अरबी नहीं है।
लोग निकलने वाले हैं इतना सुंदर जगह देखने के बाद, अब कंक्लूड ऑयन ही करेगा। तो जगह के बारे में आपको पूरा इन्फॉर्मेशन दे दिया, अब ये आपके ऊपर है कि ये आप मतलब आपका क्या राय है इसके बारे में, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आप इस जगह के बारे में क्या सोचते हो। या फिर कोई इससे पहले जानता था कि कोलकाता के इतने पास 1000 ईयर्स पुराना एक स्ट्रक्चर है? अगर नहीं जानता था तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताओ। और जो लोग चैनल पे नए हो, ये वीडियो के थ्रू से चैनल को पहली बार देख रहे हो, वो लोग दादा के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। प्लस मेरा वाला चैनल है, घंटी जरूर बजाना, घंटी जरूर बजाना, ट्रैवलर भी सब्सक्राइब करो और दोनों चैनल का घंटी जरूर बजा देना। चलो अभी के लिए बाय, फिर मिलते हैं। और आज पूरा अयोन का ये कारण ही हम आए हैं, और अयोन बोला इसीलिए आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आए, लेकिन आकर नुकसान नहीं हुआ बल्कि फायदा ही हुआ, कुछ जानकर सीखकर जा रहे हैं। एनीवेज फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, टाटा बाय। चलो यहाँ तक आ गए, यहाँ तक हम लोग आ गए वापस पूरा दरगाह से, यहीं पर मिले थे और उनके साथ, अब यहीं से हम लोग बिछड़ रहे हैं इस बार के लिए। फिर मिलेंगे किसी मोड़ पे, नेक्स्ट राइड पे फिर से मुलाकात होगी, फिर से कहीं ना कहीं मिलेंगे। ओके चलो टाटा बाय बाय, जय हिंद।